बच्चों, आज हम पुस्तक नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला से एक छोटी सी कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी का नाम है गीता और वाणी। बच्चों, गीता और वाणी दो लड़कियों की कहानी है, तो आज हम इन्हीं के बारे में इस कहानी पर जानेंगे। तो शुरू करते हैं। वाणी गीता की बड़ी बहन थी। दादी जी खीर लाई। खीर खाकर गीता बाहर आ गई। बच्चों, इन पंक्तियों को और एक बार दोहराते हैं। वाणी गीता की बड़ी बहन थी। दादी जी खीर लाई। खीर खाकर गीता बाहर आ गई। बाहर वाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी। कहानी एक लड़की की थी। कहानी का नाम था भली लड़की। बच्चों, और एक बार हम इन पंक्तियों को दोहराते हैं। बाहर वाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी। कहानी एक लड़की की थी। कहानी का नाम था भली लड़की। वो लड़की बड़ी भली थी। वो सबकी मदद करती थी। बच्चों, इन पंक्तियों को और एक बार दोहराते हैं। वो लड़की बड़ी भली थी। वो सबकी मदद करती थी। तो बच्चों, अब हम यह कहानी को शुरू से अंत तक एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद और एक बार दोहराएंगे। बच्चों, मैं आप सभी से और एक बार ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने व इस कहानी को आप मेरे साथ पढ़िए और दोहराइए। तो शुरू करते हैं। वाणी गीता की बड़ी बहन थी। दादी जी खीर लाई। खीर खाकर गीता बाहर आ गई। बाहर वाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी। कहानी एक लड़की की थी। कहानी का नाम था भली लड़की। वो लड़की बड़ी भली थी। वो सबकी मदद करती थी। बच्चों, और एक बार एक आखिरी बार इस कहानी को पढ़ते हैं। गीता और वाणी। वाणी गीता की बड़ी बहन थी। दादी जी खीर लाई। खीर खाकर गीता बाहर आ गई। बाहर वाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी। कहानी एक लड़की की थी। कहानी का नाम था भली लड़की। वो लड़की बड़ी भली थी। वो सबकी मदद करती थी।